हेलो एलेक्स, कैसे हो आप लोग का स्वागत है एक और फोटो एडिटिंग वीडियो के साथ। तो कैसे हो आप लोग? तो आज करो एकदम मस्त रहने की का। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ इस टाइप के होली फोटो एडिटिंग सिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को फुल एंड तक वॉच करना, तब पूरे होली फोटो एडिटिंग सीख पाओगे। तो इसमें जो जो स्टॉक लगने वाला है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है। इसमें जो ऐप लगने वाला है वो है फोटो रूम और पिक्सआर्ट। तो दोनों आप ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और पहले PNG डाउनलोड कर देते। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको कहना है कि अपने फोटो, जिस भी फोटो को आपको होली फोटो एडिट करना है उसको आपको फोटो रूम में शेयर कर देना है। शेयर करने के बाद कुछ स्टेप स्कैनिंग लेगा। स्कैनिंग लेने के बाद इसका आपका बैकग्राउंड चेंज हो जाता है। यहाँ पे आपको ट्रांसपेरेंट का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक करना है आपको। यहाँ पे हमारा बैकग्राउंड इधर चुन चुका है, तो यहाँ पे शेयर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। ऊपर में शेयर वाला ऑप्शन है, उस पर आपको क्लिक करना है गाइस, और उसके उसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपको क्या करना है कि चले जाना है आपको पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में। पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में आने के बाद आपको क्या करना है कि डिस्क्रिप्शन में जो मतलब बैकग्राउंड दिया हुआ है उसको आपको ऐड करना है। ऐड करने के बाद यहाँ पे आपको क्रॉप वाला ऑप्शन से जाके आपको इंस्टाग्राम प्रो टिप पे आपको क्रॉप करके कुछ स्टेप से आपको यहाँ पे क्रॉप कर लेना है। यहाँ पे क्रॉप करने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे ऐड फोटो पे आपको चले जाना है। जाने के बाद जिस अपने फोटो का PNG बनाया था उसको ऐड करना है। पहले तो मैं इसको ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद यहाँ पे इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेना। फोटो रूम का जो लोगो दिख रहा है उसको आपको नीचे कर देना है। उसके बाद ऐड फोटो पे आपको चले जाना है। जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको गर्ल का PNG ऐड करना है कुछ इस टाइप से, और इसको कुछ पीछे मतलब बैक कर देना है इसको कुछ इस टाइप से, और इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेना है आपको। और इसको थोड़ा सा रियलिस्टिक दिखाने के लिए आपको अपने फ़ोटो पे क्लिक करना है और इरेज वाले ऑप्शन पे आपको चले जाना है, और ओपेसिटी और हार्डनेस को कम करके आपको मतलब साइड में जो लाइन है उसको थोड़ा सा इस टाइप से इरेज चला देना है। उसके बाद आपको फिर से ऐड फोटो पे आपको इसको आपको अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद इसको आपको सेव कर लेना है, इसको सेव कर लेना है आपको। उसके बाद आपको ऐड फोटो पे आपको चले जाना है। ऐड फोटो पे जाने के बाद आपको क्या करना है कि आपको ये वाला PNG आपको ऐड करना है कुछ इस टाइप के, दिखा देता हूँ मैं ये वाली। तो इसको आपको क्या करना है, इसमें आपको इस PNG का आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको गालों पे इसको लगा लेना है। जैसे लगा रहा हूँ गालों पे इसको लगा लेना अच्छे से आपको। साइड का मतलब जो भी पार्ट रहेगा उसको रिमूव करके एक आप मतलब एक कलर को चूज कर लेना है, और इसको अच्छे से गालों पर लगा लेना है अच्छे से जो रियलिस्टिक लगे, और दूसरे गालों पर भी कुछ स्टेप से अपने हिसाब से लगा दिया। इस वाले कलर को चेंज करना है तो इफेक्ट वाले ऑप्शन पर आपको चले जाना है। जाने के बाद आपको यहाँ पे कलर रिप्लेस का ऑप्शन दिख जाएगा, उसको आपको कलर रिप्लेस कर लेना है। मतलब यहाँ पे रेड कर लेता हूँ, जैसे उसको कलर रिप्लेस करके आपको साइड पार्ट को रिलीज कर देना है। साइड पार्ट को रिलीज करने के बाद आपको ओपेसिटी और हार्डनेस को कम करके कुछ स्टेप से आपको कर लेना है। उसके बाद आपको ऐड फोटो पे फिर से चले जाना है। जाने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको तिलक PNG ऐड करना है, मतलब मास्क में जो टीका होता है गाइस उसको ऐड करना है। उसको ऐड करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा गाइस ये हुआ है, इसको आपको माथे पर अच्छे से ऐड कर लेना है। उसके बाद इसको अच्छे से आपको एडजस्ट कर लेना है माथे पे कुछ इस टाइप से, और उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पे चले जाना है। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करके आपको यहाँ पे आपको ऑपेसिटी को थोड़ा मतलब कम बेस मतलब थोड़ा कम और बेस ज़्यादा करके आपको देख लेना है। उसके बाद आप फिर से यही वाला कलर को ऐड करना है। ऐड करने के बाद इस कुछ हिसाब से हाथों पर भी लगा लेना है आपको, और साइड पैड को इरेज कर लेना है। हाथों पे लगाने के बाद आपको इसको अच्छे से मतलब रियलिस्टिक लगने के लिए कुछ स्टेप से आपको लगा लेना है, और फिर से आपको चले जाना है। फिर से इसको कलर रिप्लेस करके आपको कुछ स्टेप से कर लेना है। उसके बाद इसको फिर डुप्लीकेट करके आपको मतलब कपड़ों पे भी आपको लगा लेना है। तो जल्दी जल्दी से मैं पूरा लगा लेता हूँ, आप देखते रहिए। काम खत्म हो चुका है तो फिर से ऐड फोटो पे आपको चले जाना है। जाने के बाद यहाँ पे आपको हैप्पी होली का PNG ऐड करना है। यहाँ पे देख सकते हो
उसको ऐड करने के बाद यहाँ पे आपको अच्छे से ऊपर में लगा देना है। लगाने के बाद आपको फिर से ऐड फोटो पे चले जाना है। जाने के बाद 20-30 का मतलब 23 का लगा लेना है यहाँ पे, कुछ इस टाइप का पेंट भी आपका मिल जाएगा। तो फिर से ऐड फोटो पे आपको चले जाना है। जाने के बाद आपको यहाँ पे ये कलर स्मोक का ऑप्शन मतलब पीएनजी मिल जाएगा, उसको आपको नीचे लगा के फिर से आपको डुप्लीकेट करके ऊपर भी कुछ इस टाइप से लगा देना है। उसके बाद आप ऊपर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ऊपर वाले पीएनजी पे क्लिक करके पैक वाले ऑप्शन से जाकर आपको इसका व्यू चेंज कर लेना है कुछ इस टाइप से। तो आप कोई भी इसका भी कलर रख सकते हो। तो पिक यहाँ पे मैंने रख लिया है, इसको अच्छे से एडजस्ट कर दूँगा मैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि फोटो को सेव, फोटो कैसे लेके कमेंट में जरूर बताना। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तो फिर मिलेंगे कुछ इस टाइप की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक बाय।